फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय चैनल। कोविड के कारण काफ़ी गैप आ गया है लर्निंग में, तो चलिए इस गैप को पूरा करने के लिए हम शुरू करते हैं एक बार फिर से हमारी स्टडी। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ छोटा सा टॉपिक, क्योंकि हम वापस से बेसिक मैथ से शुरू करेंगे परिमेय और अपरिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या क्या होती है सबसे पहले इसको समझिए, समय बर्बाद नहीं करना है। देखिए, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। पूर्णांक क्या है तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, पूर्णांक का वीडियो है जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, और P और Q वहाँ पर एक पूर्णांक है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी संख्या जैसे P बटा Q का मतलब है अंश बटे हर में लिखना, तो Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो ऐसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, माइनस के 2/3, 6/7, 9/-5 परिमेय संख्या है। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, लेकिन आगे इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो परिमेय संख्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, हम इसको लिख सकते हैं अंश बटा हर के रूप में। अंश क्या होता है तो देखिए, जैसे मैंने कोई भी संख्या लिख ली 2/3, 2/3 में क्या होगा, 2 यहाँ पर अंश है और 3 यहाँ पर हर है। मतलब ये जो डिवाइड का चिन्ह आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो संख्या होती है उसे हम अंश कहते हैं, और नीचे जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। तो यहाँ पर इसको हम अंश बटा हर लिख सकते हैं या पी बटा क्यू लिख सकते हैं। तो पी बटा क्यू का मतलब आप समझ गए होंगे, जो अपनी स्टडी शुरू से शुरू कर रहे हैं उनके लिए चीज़ समझना ज़रूरी है कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। तो ये ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला हर है। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं वो हमारी परिमेय संख्या होती है। जैसे आपने देखा माइनस के 2/3 लिखा, तो यहाँ माइनस के 2 यहाँ पर ये अंश हो जाएगा और 3 हो जाएगा हर। यहाँ पर ये अंश हो जाएगा 6 और 7 हो जाएगा हर। इसमें देखिए 9 हो जाएगा अंश और माइनस के 5 हो जाएगा हर। तो ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के और एग्जाम्पल आप अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 0, 2, माइनस के 4, 6, 8, ये सभी परिमेय संख्या हैं। जैसे 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं बटा 1, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बटा 1। तो ये हम इसको पी बटा क्यू के रूप में हमने लिख लिया। तो ऐसी कोई भी संख्या है जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वह एक परिमेय संख्या होती है। अब एक समझने की बात है, क्या एक एक परिमेय संख्या है? क्या एक को मैं पी बटा क्यू के रूप में लिख सकती हूँ? क्या दो को लिख सकती हूँ? क्या जीरो को लिख सकती हूँ? तो आपकी क्वेरी को शांत करने के लिए मैं बता रही हूँ कि कोई भी संख्या, जैसे आपने संख्या रेखा देखी, संख्या रेखा में हम जीरो बीच में लिखेंगे, यहाँ पर प्लस के चिन्ह आएंगे 5-6 तक, अगर इस साइड में जाऊंगी तो माइनस की संख्या चलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार संख्या रेखा है, संख्या रेखा पर कोई भी संख्या है तो इसको सभी को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। देखिए, किसी के भी नीचे बटा 1 लगा सकती हूँ मैं। कैसे? क्योंकि सभी पूर्ण संख्या है परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या, आपको लिखना परिमेय संख्या क्या है तो पूर्ण संख्या है। परिमेय संख्या क्या है तो पूर्ण संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या परिमेय संख्या हो सकती है। तो पूर्ण संख्या क्या है? जीरो से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 आगे चलती जाएगी, आप इसको जितना आगे बढ़ाएं। तो जितनी भी पूर्ण संख्याएं वो सभी परिमेय संख्या हैं। तो इसी कोई भी डाउट मत रखिएगा कि परिमेय संख्या कौन कौन सी है, याद करना है, ऐसा कुछ याद नहीं करना हमें। तो सभी पूर्ण संख्या हमारी परिमेय संख्या है। अब बात आती है अपरिमेय संख्या की। देखिए, अपरिमेय संख्या, अब जैसे परिमेय संख्या की परिभाषा हमने लिखी, ऐसी संख्या जैसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये है परिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होगी जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? पी बटा क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल देखिए क्या होंगे। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं लिखती हूँ, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे आगे से, √2, √3, √5, √8, 7। तो ऐसी कोई भी संख्या है जो रूट में चल रही है, मतलब अंडर रूट चल रही है, वो अपरिमेय संख्या होगी।
तो इस संख्या का मान हम पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अंडर रूट दो का मान हमको पता है, अंडर रूट तीन का मान हम निकाल सकते हैं, इसके मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी बटा क्यू के रूप में हम इसे नहीं लिख सकते, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है कहलाएगी। अब अपरिमेय संख्या की बात करें तो आपको ये बात तो समझ में आ गई, जिसे अंश बटा हर के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। अब अगर एक संख्या आती है, आपने देखा होगा पाई, ठीक है, पाई, पाई का मान क्या होता है हमें पता है, 22/7, पाई का मान 22/7 होता है। पाई का उपयोग हम एक नियतांक के रूप में करते हैं, जैसे हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, वृत्त की परिधि निकालें, वृत्त का व्यास निकालें, तो हमारे फॉर्मूलों में पाई का उपयोग करने मिलता है। तो पाई का मान होता है 22/7। अब आप देखिए पाई क्या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, अगर इस साइड देखेंगे तो परिमेय अपरिमेय दिख रही है, और 22/7 को देखेंगे तो ये परिमेय संख्या दिख रही है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान से देखना है कि 22/7 तो इसका संख्यात्मक मान है, क्या है, संख्यात्मक मान, ले लगभग मान है, संख्यात्मक मान है, तो ये संख्यात्मक मान तो परिमेय संख्या है, लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इस बात को हमें अच्छे से याद रखना है। और पाई क्या होता है, तो वृत्त का व्यास और परिधि का अनुपात होता है। जैसे आप देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि में लिखती हूँ, वृत्त की परिधि का सूत्र आपको सभी को पता होगा 2πr होता है, और व्यास का सूत्र होता है 2r, तो मैं क्या करूँगी 2πr/2r करूँगी, तो ये कट जाएगा, तो बीच में क्या बचा, पाई। तो पाई का मान 22/7 तो संख्यात्मक मान है, और जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस वीडियो में हमने देखा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो आप देखेंगे क्लास एट्थ का चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्या है, तो हम जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उससे चल रहे हैं, तो आगे हम अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे, आगे एक एक चैप्टर में आपको कवर करवाती जाऊंगी। और नई बात यह है कि अब हम मैथ्स के अलावा और सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में जीरो से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।